अब आपको रामलला के गर्भगृह की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा उस गर्भगृह को जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिला पूजन किया था। नौ शिलाओं का पूजन किया था। जो विधिवत पूजा अर्चना हुई थी वो यही गर्भगृह है, जो भगवान यानी रामलला का जो जन्म हुआ था, जो गर्भगृह है वो ये गर्भगृह है। यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरसंघ चालक मोहन भागवत, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी जब विधिवत पूजा कार्यक्रम हुआ। वो मुहूर्त जिसमें अभिजीत मुहूर्त था, जिसमें शिला पूजन प्रधानमंत्री ने किया, अलग अलग शिलाओं का पूजन हुआ। उसके बाद जो आधारशिला रखे जानी थी वो उसका विधिवत कार्यक्रम संपन्न किया गया। हमारे साथ दिलीप तिवारी जी हैं। सर आप इस जगह पे खड़े हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा पाठ की, भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर निर्माण की नींव रखी, इस मौके पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मौका होता है किसी भी पत्रकार के लिए कि उस जगह को वो कवर करे जो देश की, न केवल देश की बल्कि दुनिया की नज़रों के सामने देखा गया, उनके नज़रों में बसा हुआ है। और वही जो जगह है, जो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी सिक्योरिटी लगा दी गई है, ये सिक्योरिटी के लोग हैं जो इस जगह को सिक्योर कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें, ये सारे लोग हैं जो इस जगह में, जो ईंट प्रधानमंत्री ने शिला पूजन किया है या कहें कि शिलान्यास किया है, और जो ईंटों का नाम मेरे सहयोगी जो है मनमीत आपको बताएंगे किस तरह से नाम रखे गए हैं उन ईंटों के। पवन, देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 9 ईंटें रखी हैं और मैं उन ईंटों को नाम बताऊंगा क्योंकि वो पूजित शिलाएं हैं। एक नंदा है, भद्रा है, जया है, अपराजिता है, शुक्ला है, पूर्णा है, सौभाग्या, रिक्ता, ये इस तरीके से 9 ईंटें इसमें रखी गई हैं। और आज जो है बड़ा शुभ दिन ये माना जाएगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में भगवान श्री राम के मंदिर का जो है नींव रखी गई, आधार पूजन किया गया, भूमि पूजन किया गया। निश्चित तौर पे अभी फिलहाल सिक्योरिटी खास के तौर पे उसको, जो गर्भगृह है उनको ढक दिया गया है, ऐसा ही है। आप यहाँ पे थे जी, किस तरीके से इसको देखते हैं और इस महत्व को क्या कहेंगे इस वक्त? ये विश्व का सबसे बड़ा काम हुआ है जो बहुत ही अच्छा किया गया है, और हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में तैनात हैं और हम लोग तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। निश्चित तौर पे मनमीत, 20 साल बाद आप अयोध्या में पत्रकारिता करते रहे हैं, रामलला को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आप लोगों को भी मौका नहीं मिला कभी यहाँ पे आने का? कौन, देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब 6 दिसंबर 1992 में डिमोलिश हुआ था ये, तो यहाँ पे टेंट थे, भगवान श्री राम इस टेंट में यहाँ पे विराजमान किए गए थे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का नवंबर में निर्णय आया तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि इसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। 1992 से कोई भी मीडिया यहाँ पे आ नहीं पाई थी। अब ये पहली बार यहाँ पे मीडिया आ रही है और ये जो गर्भगृह का स्थान जिसको पूजित किया गया है, ये पहली बार कैमरे में आ रहा है। निश्चित तौर पे मनमीत, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बातों का जिक्र होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अपने स्पीच में जिस टेंट और टाट की बात कर रहे थे कि वहां से निकल करके जो रामलला है वो भव्य राम मंदिर में अब जाएंगे, और जो सपना था, जो लगातार जिसको लेकर के लंबा संघर्ष चला, दिलीप तिवारी जी आप लगातार कवर करते रहे हैं एज ए रिपोर्टर, अब संपादक हैं आप, और लगातार चाहे वो बाबरी विध्वंस का पूरा सिनारियो हो, शिला दान का जो सिनारियो हो, या लाल कृष्ण आडवाणी का राम रथ यात्रा हो, उस दौरान से लेकर अब तक आज यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरीके से इस पूरी यात्रा को देखते हैं? देखिए, अगर मैं कहूँ कि राम मंदिर के लिए जो जितने भी आंदोलन चले उसका गवाह जी मीडिया था, और जी मीडिया ने तमाम वो तस्वीरों को देश के सामने रखा, विवादित ढांचा ढहाने का मामला, वो भी तस्वीरें जी मीडिया के पास रही, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रही। और आज हम जब यहाँ बैठे हैं, जहाँ अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री, देश के मोहन भागवत जो सरसंचालक हैं, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और तमाम वो लोग जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ किया और यहाँ पर शिलान्यास हो गया है। तो एक तरह से दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों को, हिंदुस्तान के करोड़ों राम भक्तों को ये आस्था जो उनकी थी वो मजबूत हुई है कि अब उनका ये जो संकल्प है वो पूरा होगा और वो जल्द ही भव्य दिव्य राम मंदिर को देख पाएंगे। तो जाहिर है कि आज का दिन राम भक्तों के लिहाज से बेहद अहम है। और अगर मैं पत्रकारिता के लिहाज से बात करूं तो ये वो तस्वीरें हैं जिसको एक पत्रकार के तौर पर
कैमरे की नज़र से हम कवर करते हैं, एक पत्रकार के तौर पर देखते हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं जनता को कि आखिर क्या हुआ वहाँ पर, ज़मीन पर क्या हुआ। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने आज देखी हैं और दुनिया की निगाहें थी। तो शिलादान से लेकर इस शिलान्यास के सफ़र को हमने जी मीडिया के जरिए दर्शकों को दिखाया है। जाहिर है आज ये बहुत अहम मौका है और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये जगह है जहाँ पर वो ईंटें रखी हुई हैं जिसका पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और विधिवत पूजा के बाद इसका एक तरह से शिलान्यास हो गया है और कार्यक्रम जो है वो हुआ है। तो जाहिर है कि आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, साधु संतों ने खुशी जताई है और उनके आंदोलन को एक तरह से एक मकाम मिला, एक मंजिल मिली है। अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण होना बाकी है। दिलीप जी, इस पूरे कार्यक्रम में तकरीबन 200 अतिथि थे पूरे देश से आए हुए। खास तौर से मोहन भागवत जी अपने स्पीच में बोले और अलग अलग तीर्थ स्थानों से रज लाया गया, वहां का जल लाया गया और विधिवत पूजा अर्चना हुई। और जो 32 सेकंड का जो अभिजीत मुहूर्त था जिसमें शिला का को खास तौर से जो आधारशिला थी वो रखी जानी थी, जिसको लेकर के तमाम बातें भी कही गई, विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया और उन तमाम बातों का जवाब साधु संतों ने लगातार देने का काम किया। अब जो भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर निर्माण की जो शुभ घड़ी थी वो आई, उसमें पूजा अर्चना हुआ, शिला पूजन हुआ, आधारशिला रख दिया गया। अब इसके आगे भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर है कि आने वाले दिनों में किस तरह से फंड डोनेट किया जाएगा, लोग दान देंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है और ये एक आस्था का केंद्र है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम के आदर्शों का केंद्र होगा, दुनिया में हिंदुओं की प्रमुख आस्था, जो आस्था का प्रमुख केंद्र होगा, चार धाम से बड़ा एक धाम होगा। जाहिर है कि ये सबकी निगाहें हैं और अभी हम देख रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं एक पत्रकार के तौर पर कि हमको ये अवसर कवर करने का मौका मिला है। ये भी अपने तरह का एक इतिहास होता है, पत्रकार जब आते हैं वो कवर करते हैं चीज़ों को। मनमीत हमारे सहयोगी हैं, लगातार ये अयोध्या के रहने वाले हैं, लगातार इन चीज़ों को कवर करते रहे हैं। मनमीत, आपको पहली बार आने का मौका मिला, आप अयोध्या के निवासी हैं, बहुत सिक्योरिटी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत कम लोगों को आने को मिलता है, तो आपको भी एक मौका मिला आज। देखिए, ये मेरी 20 साल की पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मुझे गर्भगृह आने का मौका मिला है। 1992 में जब डिमोलिश हुई तो यहाँ पर हाई सिक्योरिटी होगी क्योंकि ये रेड जोन का एरिया है और रेड जोन एरिया में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, तो अति सुरक्षित स्थान ये माना जाता रहा है। हालांकि आज क्योंकि ये पहला सौभाग्य हमको भी मिल रहा है कि यहाँ पे जब प्रधानमंत्री ने शिला पूजन किया, भूमि पूजन किया और उसके साथ जो है यहाँ पे शिलाएं रखी हैं, 9 शिलाएं रखी हैं और ये आज की डेट में न्यू भरा माना जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शिला पूजन किया, यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ और अब राम मंदिर के निर्माण का जो कार्यारम्भ है यानी शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र भव्य राम मंदिर का निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है और दुनिया ने यह देखा वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों को था, उसका आज यहाँ पर जो एक तरह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तमाम वो साधु संत मौजूद थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। जाहिर है आज एक ये भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल था जिसका गवाह जी मीडिया बना है और ये वो जगह है जिसके नीचे वो शिलाएं रखी गई हैं जिनका पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरसंचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और तमाम वो लोग जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं उनके परिवारजनों ने किया है। और आपने देखा होगा साधु संतों की वो पूरी जो जमात थी जिन्होंने इस आंदोलन में अपना सर्वस्व लगा दिया, अपने आप को झोंक दिया, आज वो भी बेहद खुश थे। अपने सहयोगी मनमीत गुप्ता और पवन सिंह सेंगर के साथ दिलीप तिवारी, जी मीडिया, अयोध्या।